औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खेसवारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद। आज हम HTML5 और CSS3 के बारे में पढ़ेंगे, और HTML5 और CSS3 एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो वेब डिवेलपर यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग वेब डिवेलपमेंट के लिए। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं HTML5 और CSS3। और प्रोजेक्ट वेबसाइट में पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने अबाउट अस के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम एक आगे नेक्स्ट जो है ओवर टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर, अपना लेसन शुरू करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट CSS सेक्शन, ये HTML पेज के ऊपर आएंगे हम। यहाँ पे ये जो लास्ट सेक्शन थी इसके नीचे, यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन का टैग, सेक्शन के टैग के अंदर हम एक क्लास देंगे टीम, क्लास जो होगी उसको होगा जी TEAM टीम। उसके बाद हम H1 का टैग क्रिएट करेंगे, और H1 के टैग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर टीम, और टीम के बाद अभी हम एक डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ डिव क्रिएट किया, और डिव के अंदर हम क्लास देंगे, क्लास में हम TEAM टीम डैश रैपर TEAM-Wrapper। तो ये टीम डैश रैपर का हम करेंगे, ये आपको याद होगा पिछले में ट्यूटोरियल में भी हमने किया था अबाउट अस की सेक्शन के अंदर भी। अच्छा, रैपर के बाद आगे भी हमने इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हम इस डिव के अंदर हम देंगे जी क्लास CL कॉल डॉट डैश TEAM टीम कॉल डैश टीम। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करेंगे डिव, और इस डिव के अंदर हम क्लास देंगे क्लास टी कॉल। ठीक है जी, टी कॉल के बाद अभी हमने यहाँ पे एक टैग लगाना है IMG इमेज सोर्स, उसके अंदर इमेज हमने देनी है, और इमेज कौन सी देनी है, यहाँ पे एक इमेज होगी
एक इमेज थी यहाँ पे, सॉरी सॉरी, वो इमेज मेरी मैं इमेज देख लूँ किधर गई है, थोड़ी देख ली मैं। अच्छा जी, इमेज हमारे पास यहाँ पे है मेन डॉट पी एन जी, वो इमेज हम देख गए। यहाँ पर इमेज का फोल्डर है img इमेज और स्लैश, उसके अंदर हमारे पास ये है जी, ये मेन डॉट पी एन जी, ये इमेज थी, मेरी नज़र नहीं आ रही थी, अभी बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई है। main डॉट पी एन जी, ठीक है, इमेज को डालेंगे और इसके अंदर एक और हम टैग यूज करेंगे ALT अल्टरनेट, वो हो इसके अंदर यूज करना है अल्टरनेट का टैग ALT, ALT अल्टरनेट इक्वल ठीक हो गया जी। इमेज सोर्स इमेज मैन ये हो गई जी हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर हम H3 का एक टैग क्रिएट करेंगे, H3 इसके अंदर हम इसका नाम लिखेंगे इमेज का, मोहम्मद उस्मान हो गया जी। उसके बाद एक पी टैग क्रिएट करेंगे हम पी, और पी टैग के अंदर हम लिखेंगे फाउंडर FOUNDER फाउंडर पब्लिक CEO ये होगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे इस टिप को थोड़ा क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे और इसको भी थोड़ा यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा सिस्टम, हमने क्लोज कर दिया। अभी देखते हैं इसको, ये सेक्शन ये आपने गौर से देख लेना है, कहीं जो है ज़रा सी भी गलती आपके लिए मसला बन सकती है। सेक्शन टैग हमने क्रिएट किया, ओपन किया, उसके अंदर क्लास टीम दी हमने, सेक्शन क्लोज कर दी, फिर हमने H1 का टैग किया, क्लोज किया, डिव इसके अंदर क्लास दी हमने और टीम रैपर यहाँ पर, और ये डिव जो है ये यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर, फिर हमने डिव दोबारा ओपन किया और इसके अंदर टीम रैपर की हमने क्लास दी और इस डिव को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया दूसरा, और दूसरा डिव, अच्छा दूसरा डिव ये है कॉल टीम वाला, तीसरा डिव जो है वो उसके अंदर टी कॉल वाला है, उसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। उसके अंदर हमने डिव के अंदर यूज़ की इमेज, और उसके बाद उसका नाम इमेज का बंदा कौन है इसका नाम, और फिर उसका ओहदा यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमने करने के बाद हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है, कहाँ से, डिव क्लास कॉल टीम से, डिव क्लास कॉल टीम यहाँ से कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है जी। दो डिव के अंदर आएंगे, ठीक है, एक डिव इसके बाहर रह जाएगा। तो डिव क्लास कॉल टीम से हम कॉपी करेंगे, उसके बाद डिव टी कॉल इमेज ये डिव ये डिव, ठीक है जी, ये कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया एक, फिर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया दो, यानी तीन जो होंगे हमारे, ठीक है जी। इनके नाम चेंज कर लेते हैं, मोहम्मद उस्मान था ये,
गाजी था और ये जो है ये मजीद था और ये डिजाइनर है और ये जो है ये ऑर्गेनाइजर है। ऑर्गेनाइजर है जी, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। इसके करने के बाद आगे चलते हैं। अभी हम CSS के अंदर हमारा HTML का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम चलेंगे CSS के अंदर और CSS के अंदर जाके अब अभी हम अगला काम शुरू करेंगे। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास ओवर टीम मोहम्मद उस्मान और गाजी और मजीद, ये तीन बंदे आ गए, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं अपने सी एस सेक्शन के अंदर। सी एस एस सेक्शन के अंदर हम इसको कमेंट्स को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कंट्रोल सी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। तो इसके अंदर लिखेंगे टीम सेक्शन, टीम सेक्शन हो गया जी। टीम सेक्शन के अंदर हमने सबसे पहले करना है डॉट टीम को का टीम। ये आप चीज़ याद रखा करेंगे, जो क्लास हमारे पास पहली क्लास है यहाँ पे टीम को हमने टारगेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर टीम रैपर को टारगेट करेंगे, फिर कॉल टीम को करेंगे, फिर टी कॉल को करेंगे। तो ये हमारा जो है तकरीबन 1 2 3 4 टारगेट बनेंगे CSS के अंदर। टीम को हमने टारगेट करने के बाद अभी टीम के अंदर क्या क्या होगा, टीम के अंदर ये होगा कि इसकी पैडिंग होगी PADDING। पैडिंग पैडिंग हमने कहा जो पैडिंग टॉप देनी है इसकी, TOP टॉप, और टॉप से ये 100 पिक्सल होगा, ठीक है जी। 100 पिक्सल टॉप से 100 पिक्सल होगा। उसके बाद हम देंगे जी पैडिंग बॉटम, PADDING पैडिंग बॉटम, बॉटम से ये भी 100% पिक्सल होगा। उसके बाद हम देंगे जी BACKGROUND बैकग्राउंड COL कलर, बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो HSL, और इसके अंदर 0.0%, 95% ये कलर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको, इसके बाद क्या देंगे जी विड्थ इसकी, WIDTH विड्थ, विड्थ इसकी देंगे जी 100%, ठीक है जी। हंड्रेड परसेंट ये रखना याद। और टेक्स्ट लाइन, अच्छा ये सारा कुछ करने के बाद जब हम यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो सेव करके अच्छा ठीक है ठीक है। टीम सेक्शन इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, अच्छा अभी नज़र आ जाएगा मिस्टेक अगर है या नहीं है। तो अभी हम करेंगे जी टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद हम जाकर रिफ्रेश करेंगे तो मिस्टेक है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है कोई टीम। ओहो टीम के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अभी चलते हैं, अभी आ गए जी सेंटर में और नाम आ गए और टीम और वगैरह वगैरह वगैरह। एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कितनी बड़ी कोडिंग हमारी शो नहीं हो रही थी, इसलिए वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना पड़ता है, ये आप याद रखें।
उसके बाद अभी हम टारगेट करेंगे टीम रैपर को, नेक्स्ट देख लेंगे जी। अभी टीम के बाद टीम रैपर है, टीम रैपर को कॉल हम इधर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके इसको हम सी एस एस के अंदर कंट्रोल वी करेंगे और इसको हम टारगेट करेंगे। टीम रैपर जो है उसकी विड्थ हम रखेंगे डब्ल्यू आई डी टी एच विड्थ 90%। उसके बाद पी ए डबल डी एन जी पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम टॉप होगी जी 50 पिक्सल, और उसके बाद इसके अंदर हो गया जी मार्जिन, मार्जिन इसका ए यू टी ऑटो होगा जी। ये जी टीम रैपर का, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे जाकर, तो ये टीम रैपर को यहाँ से टीम और इसके दरमियान स्पेस आ गई और जो हमने दिया वो सारा कुछ आ गया। उसके बाद हम टीम रैपर के बाद हमारे पास आ गया जी, क्या आ गया जी, टीम रैपर पर कॉल टीम क्लास, क्लास को हमने टारगेट करना है, तो कॉल टीम को हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे जाके हमने सी एस एस के अंदर डॉट इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे डॉट कंट्रोल वी, और कॉल टीम आ गई जी। कॉल टीम के अंदर क्या होगा जी, ज़ाहिर है आपको पता है ये 100% विथ है इसकी, तो उसको हम तीन इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तीनों 33 33 हो जाएंगे विथ, डब्ल्यू आई टी एच विथ 33.33%। ठीक है जी, ये पीछे भी हमने किया था कि इन तीनों को डिवाइड किया है तीन हिस्सों में, हिस्सों के अंदर 33 का क्या मुकाम है आपको पता है। अच्छा, फ्लोट भी करना है, एफ एल ओ टी फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, ये भी हमने पीछे किया था। फ्लोट लेफ्ट में क्या होगा जी कि ये एक लाइन में फ्लोट हो जाएंगे। और उसके बाद पैडिंग, पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम में क्या होगा जी, पैडिंग बॉटम कॉल टीम, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल हम देंगे इसको टॉप से और 30 पिक्सल लेफ्ट से, 10 पिक्सल बॉटम से और 30 पिक्सल राइट से, ये हमने दे दीजिए कॉल टीम को हमने। उसके बाद अभी हम जाके रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये हमारे हो गए जी फ्लोट लेफ्ट हो गए, एक लाइन में हो गए और टीम वगैरह सारा कुछ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या है जी हमारे पास कॉल टीम के बाद हमारे पास क्लास है जी, कॉल टीम के बाद टी कॉल, कॉल टीम के बाद नहीं नहीं तो कॉल टीम के बाद हाँ, कॉल टीम के अंदर इमेज भी है, इमेज को भी हमें टारगेट करना है, इमेज को भी टारगेट करना है जनाब, तो इमेज को भी हमने टारगेट करना है। कॉल टीम के अंदर इमेज है, हाँ ठीक है, कॉल टीम के अंदर इमेज है, तो हम यहाँ पे दोबारा करेंगे जी कॉल टीम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम डॉट कॉल टीम आई एम जी इमेज, अच्छा जी इमेज यहाँ पे आ गया जी। अभी इमेज को करना है टारगेट, ओहो क्या लग गया, अच्छा जी इमेज को कॉल टीम इमेज में हम क्या करेंगे जी, हमने कहा जी इमेज की विड्थ हो जाए डब्ल्यू आई डी टी एच विड्थ 80% 80 पिक्सल हो जाए जी, और मैक्सिमम विड्थ
मैक्सिमम ज़ाहिर आपको पता है यूज़ करते हैं कि अगर कोई हमारी जो डिवाइस है जिसकी मैक्सिमम विड्थ 100% से कम ज़्यादा होगी तो ये जो क्या करेगी उसके मुताबिक अपने आप को रिस्पॉन्सिव एडजस्ट करेगी। तो इसका ये मतलब होता है क्वालिटी इमेज। इसको पैडिंग देंगे जी, पैडिंग बॉटम कितनी हो गई जी, पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल, ठीक है जी। ये हमने इमेज को दे दिया, टारगेट कर लिया। अभी चल के देखते हैं इमेज क्या कहती है। अभी देखें इमेज एडजस्ट हो गई, इसका बैकग्राउंड आ गया नीचे और इसके इमेज जो है वो सेट हो गई। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमने जो है वो टी कॉल को टारगेट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे टी कॉल, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सी एस सेक्शन के अंदर हम कंट्रोल वी, टी कॉल को हमने टारगेट करना है। टी कॉल के अंदर जो हमारे पास एम ए एक्स मैक्सिमम विड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी जी, 200 पिक्सल, और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमारे पास हो जाएगी जी 170 पिक्सल, और बॉर्डर बॉर्डर हो जाएगा जी 1 पिक्सल, एस ओ एल आई डी सोलड, और जी बी कलर जो हो जाएगा 0.05, ये हमारे पास हो जाएगा कलर। उसके बाद सॉलिड की स्पेलिंग गलत है, ये अभी ठीक है। बॉर्डर इसका 1 पिक्सल, सॉलिड हो जाएगा उसका कलर हमने दे दिया। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ गया, अच्छा इस बॉक्स शेडो को भी डिस्कस करेंगे, पैडिंग और ये वाला इसको देख लेते हैं पहले। रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया है ऐसे, चलो इसको हम सेंटर करेंगे पहले। यहाँ पे जाके इसको हम सेंटर, यहाँ पे इसके अंदर हम सेंटर को यूज़ करेंगे। अभी सेंटर कहाँ यूज़ करना है मैं बताता हूँ आपको, कॉल टीम के नीचे हम सेंटर का टैग लगाएंगे, कॉल टीम के नीचे यहाँ पे, ये सेंटर का टैग यहाँ लगाएंगे और उस टैग को क्लोज करेंगे जाकर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर का टैग लगाएंगे, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे सेंटर का टैग लगाएंगे और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक। अभी हमने ये कर लिया और वापस जाके इसको रिफ्रेश करते हैं कि हाँ अभी ये सेंटर हो गया, ये भी सारा कुछ सेंटर हो गया जी, ठीक है। अभी चलते हैं वापस सीएसएस के अंदर,
CSS के अंदर भी टीम रैपर को हम कर लेंगे टीम रैपर को दोबारा हम करेंगे टारगेट इसको हम क्लियर करेंगे कंट्रोल सी डॉट कंट्रोल वी और आफ्टर करेंगे FTER आफ्टर और इसको हम CLEAR क्लियर बॉथ VOTH बॉथ और CONT कंटेंट और उसके बाद DIS वाई डिस्प्ले में हम करेंगे इसको टेबल ठीक है। तो ये हमने करने के बाद अभी हम चलते हैं वापस ठीक हो गया जी। अभी इसका बॉर्डर भी हमें नज़र आ रहा है सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी हमने एक चीज़ और करनी है छोटी सी जो रह गई है इसको बक्स शेडो देना है और वो टी कॉल को देना है यहाँ पर टी कॉल को हमने बक्स शेडो देना बक्स शेडो एस शेडो 0 पिक्सल एक्स एक्सेस और 2 पिक्सल वाई एक्सेस और 4 पिक्सल इसका आ जाएगा जी। उसके बाद इसका ब्लर भी करना है 1 पिक्सल ठीक है जी। और इसका कलर हमने RGBA यूज़ करना है और इसके अंदर हम कोई ऊपर वाला कलर यूज करेंगे 0.05 ठीक है जी। और यहाँ पे इसको हमने ये कर देना है ठीक है जी। इसको हम बॉक्स शेडो यहाँ पे पैडिंग दे देंगे पैडिंग पैडिंग 10 पिक्सल ठीक हो गई। अभी जाकर रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखें इसके बक्स शेडो भी नजर आ रहा है ये इनके नाम ये सारा कुछ। इसके अंदर एक और चीज हमने करनी है हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम बाकी तो ठीक है ये हो गया जी ये हो गया जी ये हो गया इसमें भी ठीक है और इसमें भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक काम करना है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करनी है ताकि इसके नीचे हमें हॉरिजॉन्टल रो नज़र आए। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो ये जो alt का टैग है यहाँ पे हम HR को क्रिएट करेंगे एक और एक यहाँ पे HR और एक यहाँ पे HR ठीक है जी। और अभी जाके अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देख लेंगे horizontal row भी क्रिएट हो गई। तो ये हमारा टीम सेक्शन कंप्लीट हो गई जी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आज हमारा टीम सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा आज का लेसन था और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल ये लेसन ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमीन असर हो। अल्लाह हाफिज़।